हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विश्व के प्रमुख संगठन हम कवर करेंगे और उनके मुख्यालय इसके साथ साथ कवर करते चलेंगे। देखिए, जितने भी संगठन है जैसे WHO वगैरह आपका पूछे जाता है, IMF, ये लगातार UNO, ये लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। हर सेक्टर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इन सभी संगठनों को हम कवर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हम कवर करेंगे, इनका संगठन की स्थापना कब हुई है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, महासचिव कौन है, कितने मेंबर है, थोड़ी सी डिटेल हम कवर करेंगे। अगर आपके जो जो काम का है वो आप याद करते चलेगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बाकी हम डिटेल तो पूरी कवर करेंगे ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर ना जाए। क्लियर है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज आपको बता दें, जितने भी टॉपिक हो सही MPGK या नेशनल GK के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी टॉपिकों के ऊपर हम वीडियोज बना चुके हैं। हमने हमारी जो GK की जुगाड़ प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियोज को डाल दिया है, तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ पर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट की वो पर वो सभी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। अब फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिये, हमारा जो पहला निकल कर आ रहा है संगठन, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO हम इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इससे ही क्वेश्चन बना था आपका कि UNO की स्थापना कब हुई है, तो UNO की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर को 1945 में। इसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव है एंटोनिया गुटेरस। ध्यान रखिएगा, महासचिव भी आपके पूछे जाते ज्यादातर। कितने मेंबर है, तो 193 मेंबर है UNO के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। देखिये, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश दक्षिण सूडान है, 193वां देश है आपका दक्षिण सूडान। इसकी कार्य भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके अलावा आधिकारिक भाषा चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। UNO की ध्वज हल्की नीली और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद। ये इतनी सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है, क्योंकि मेन चीज जो होती है सचिवालय जो है इसको, जिसमें दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो 5 स्थायी सदस्य भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं UNO के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। ये 5 स्थायी सदस्य इसके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से भी लगातार क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो Washington DC में इसका मुख्यालय स्थित है। इससे भी आपका कॉन्स्टेबल में एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो डेविस मालपास जो है इसके अध्यक्ष है विश्व बैंक के, और इसके मेंबर कितने हैं, 189 मेंबर इसमें हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। देखिए, IMF में आज यानी 22 जनवरी को ही आपका एक क्वेश्चन बना है IMF से रिलेटेड। दोनों चैप्टरों में एक एक क्वेश्चन बना है IMF से, तो ध्यान रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट आपके ये संगठन है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पर इस हिसाब से इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म कैसे पूछा जाता है कि IMF में बताइए एफ का फुल फॉर्म क्या है, एफ का हो जाएगा आपका फंड, ऐसा करके फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर को 1945 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका Washington DC अमेरिका में। प्रबंध निदेशक अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, MD है इसके क्रिस्टालिनो जॉर्जिवा। ध्यान रखिएगा क्रिस्टालिनो जॉर्जिला और जॉर्जिवा ये बुल्गारिया के हैं, ध्यान रखिएगा। और 189 मेंबर इसमें हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बोलते हैं, और अगर इंग्लिश में बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको कहा जाता है यूनिसेफ को। इसकी स्थापना हुई है 11 दिसंबर को 1946 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, और इसके जो निदेशक है डायरेक्टर है हेनरिटा H4 इसके निदेशक है वर्तमान में, 190 इसके वर्तमान में सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। इसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है यूनेस्को, ये इसकी स्पेलिंग है ध्यान रखिएगा, और हिंदी में यूनेस्को इसको बोला जाता है। स्थापना कब हुई है, तो 4 नवंबर को 1946 को। इसका जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। महासचिव कौन है, तो आंद्रे ओजेलो इसके महासचिव हैं। क्लियर है, वो 193 इसमें कंट्रीज है या देश है। अगला है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है,
और इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल को 1948 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके महासचिव है टेड्रोस अदनोवा। और इसमें कितनी कंट्रीज है, तो 61 कंट्री, 61 कंट्रीज में अभी मेंबर के रूप में है। नेक्स्ट है आपका WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी को 1995 में। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। महानिदेशक है नागोजी ओंकोजो इवेला। 164 इसमें कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है आपका EU, जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, यूरोपीय संघ आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। मुख्यालय है आपका इसका ब्रुसेल्स में। और इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, तो उर्सिता वन डेर लेयन इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ 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 कमीशन, तो इसका इनका नाम है उर्सुला वन डेर लेयन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कंट्री की, तो इसमें 28 देश शामिल है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई है 11 अप्रैल को 1919 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो डायरेक्टर है, इनका नाम है गाय राइडर। 185 देश इसमें है। नेक्स्ट है आपका ADB, जिसको एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ADB इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ये मनीला फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष है आपके मत्सुगु अस्कावा, और जापान के ये हैं, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके जो कंट्रीज हैं, ये आपकी है 68। नेक्स्ट है आसियान, इसको दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको हम बोल सकते हैं। स्थापना हुई है 8 अगस्त को 1967 में। मुख्यालय आपका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसके महासचिव है लिम जॉक होई। 10 कंट्रीज इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये है नाटो, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1950 को हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। और इसके जो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इसके जो महासचिव है 19 देश इसमें शामिल है। अगला हमारा जो टॉपिक ये निकल कर आया संगठन, इसका नाम है APEC। APEC यानी एशिया प्रांत महासागरीय आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये है। 1989 में इसकी स्थापना हुई है। सिंगापुर में इसका आपका मुख्यालय स्थित है। डॉक्टर मोहम्मद बर्किंडो इसके महासचिव अध्यक्ष हैं। और 21 कंट्रीज में शामिल है। नेक्स्ट है आपका ओपेक, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज बोलते हैं, ओपेक इसका शॉर्ट फॉर्म है। 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। और सोनुस्की बर्किंडो इसके महासचिव है। और 14 देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका ITU। ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बोलते हैं। स्थापना 1865 को हुई है 17 मई, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और ध्यान रखिएगा इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा FAO, संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन। 16 अप्रैल 1945 को स्थापना, रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है आपका IFAD यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यह फुल फॉर्म इसका है। इसकी स्थापना 13 जून को हुई है 1976 को, रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर लेते हैं। जिससे संघाई वाला पूछा जाता है, संघाई सहयोग संगठन SCO इसको बोलते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में स्थापना की गई। बीजिंग यानी बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। व्लादिमीर नरोवा इसके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। और 8 कंट्रीज इसमें शामिल है। गाइज अब हम इंपॉर्टेंट जो लेवल के हैं वो फटाफट कवर कर लेते हैं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रेड क्रॉस ज्यादातर पूछा जाता है। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना 1863 में हुई थी। संस्थापक है जीन हेनरी ड्यूनेंट। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। स्थापना हुई है 1923 में। मुख्यालय इसके जो प्रमुख है किम योंग जोंग है, जोंग योंग, सदस्य राष्ट्र 194 देश इसमें। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB, इसको हम कवर कर चुके हैं, रिविजन कर लीजिएगा। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, 1966 में स्थापना हुई है। मसुगु अस्कुआ इसके प्रमुख है। और 168 देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका
विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWE इसका मुख्यालय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1861 में इसकी स्थापना हुई है। 1961 में प्रमुख है पवन सुखदेव। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है WWF का। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसको हम कवर कर चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। प्रमुख है अब्दुल कवी यूसुफ 2018 से 21 तक। और CJI की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, शॉर्ट में इसको हम ICJ बोलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, यूनिसेफ को भी हम कवर कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय 1946 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है आपका सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है सार्क का। 1985 में स्थापना हुई है। एसाला वेराकोन इसके प्रमुख है। 8 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप इसको बोलते हैं, UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। 1972 में 1900 स्थापना की गई है। नेक्स्ट है आपका गेट, GATT गेट, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना हुई है 1948 में। गेट की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो जर्नल एग्रीमेंट फॉर ऑन ट्राफी टेरिफ एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात करें, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1995 में स्थापना हुई है। 164 इसमें देश शामिल है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला है अमेरिकी राज्यों का संगठन, OAS इसको बोलते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। स्थापना 1948 में हुई है। सदस्य राष्ट्र 35 है इसमें। और OAS का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। नेक्स्ट है आपका अरब लीग, इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। लीग ऑफ अरब स्टेट इसको बोलते हैं। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, कॉमकेन इसको कह सकते हैं, COMECON, इसका मुख्यालय मास में स्थित है। स्थापना हुई है 1949 में। 1991 में भंग कर दी गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यह द काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिल, WCC, मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, EEC इसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग आयोग, ECA इसको बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है ये आदिस अबाबा में स्थित है। इसके अलावा देखिए एप्टा आपको बोलता है, एप्टा जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना हुई है 1960 में। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और इस हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं वो आप कवर कर लीजिएगा, हमने सारे मेंशन कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको IAEA बोलते हैं, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रिया में। 1957 में स्थापना हुई है। यूकिया अमानो राफेल ग्रॉसी इसके प्रमुख है। 172 देश इसमें शामिल है। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्लियर है। देखिए इस हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं वो हम आपको करवा देते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन भी हार ना जाए। एक ही आपका पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का, IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहले दिन इससे क्वेश्चन बना था। स्थापना 1894 की हुई है। प्रमुख है इसके जैक्स ट्रॉक, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए नेक्स्ट है आपका ओपेक, ओपेक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वियना ऑस्ट्रिया में इसका आपका मुख्यालय है। 1960 में स्थापना हुई। मोहम्मद बर्किंडो इसके प्रमुख है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन UK में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, क्लियर है। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद, इसका जो मुख्यालय है ये लग्जमबर्ग में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन का याद रखिएगा, ILO का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1919 में स्थापना हुई है। गाई राइडर इसके प्रमुख है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय आपका बैंकॉक में स्थित है।
और ये आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, आप याद रखिएगा जरूर से। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय 1945 में स्थापना हुई है। ऑड्रे ऑजोले इसके प्रमुख हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है। 1944 में स्थापना हुई है। डेविस मलपास इसके प्रमुख है। 189 सदस्य राष्ट्र इसमें है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे IMF, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है। 1944 में स्थापना हुई है। क्रिस्टिनिलो क्रिस्टालिना जॉर्जी वह इसके प्रमुख है। 190 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है। इसी हिसाब से आप जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो पूरे हमने आपको करवा दिए। अब इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।